हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की आज की भर्ती के रिगार्डिंग न्यू अपडेट के बारे में। चलिए जानते हैं महत्वपूर्ण अपडेट को। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने आज यहां पर 30 सितंबर को एक नई विज्ञप्ति करके जारी किया गया, जिसमें यहां पर उत्तराखंड में पुलिस विभाग के अंतर्गत SI पदों की भर्ती का यहाँ पर भी जिक्र चला हुआ है। ऐसे में जो है अभ्यर्थियों को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी करे हैं। इसमें कहा है कि उप निरीक्षक पद की भर्ती जो परीक्षा चली हुई है फिजिकल वाले, इसमें 6 दिवसीय वाहनी PSC टास्क फोर्स रुद्रपुर नरसिंह नगर ने अपने पत्र संख्या ये देखते हैं माध्यम से सूचित किया है कि भर्ती केंद्र 46वीं वाहनी PSC टास्क फोर्स रुद्रपुर नरसिंह नगर में निम्नलिखित ब्यूरो अनुसार आवश्यक प्रमाण पत्र सहित सारी नापखोज दक्षता परीक्षा कराए जाने के संबंध में निम्नलिखित दिनांक को प्रतिभाग कर सकते हैं। तो आपको जो है एक और मौका दिया जा रहा है फिजिकल करने के लिए, जिसका 12/9/2024 को यहाँ पर नापखोज हो गया था। उसके बाद यहाँ पर जो भी उत्तीर्ण हुए थे और वर्षा के कारण जो है स्थगित कर दिया गया था, उनको 7/10/2024 को बुलाया गया है। साथ में यहाँ पर जिनका 13/9 को हुआ था, बारिश के कारण स्थगित कर दिया गया था। और उसके बाद यहाँ पर 2 से लेकर 14 के बीच में जो शायद नापखोज हुआ था, परंतु प्रवेश पत्र में छूट यानी कि 9 अंकित होने के कारण जो है पर्वती जो SC ST वाले थे, मतलब छूट वाले थे, उनको मौका नहीं मिल पाया था, तो उनको 8 अक्टूबर को बुलाया गया है। ऐसे अभ्यर्थी जिनका सारी नापखोज परीक्षा 2/9 से लेकर 17/9 तक हुआ था और उसमें जो है बीमार थे या अन्य आकस्मिक कारण से उन उपस्थित नहीं हो पाए थे, उनको 9 तारीख को बुलाया गया है। ऐसे अभ्यर्थी जिनका सारी नापखोज दक्षता परीक्षा 18/9 से लेकर 5/10 तक था, नियत किया गया था। ऐसे में जो है बीमार या उपचार मतलब उनके लिए जो मेडिकल लगा थे जिन लोगों ने, उनको 10 तारीख को बुलाया गया है। और ऐसे अभ्यर्थी जिनका शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान जो है चोटिल होने के कारण आगे की परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कर पाए, जो चोट हो गए थे, फिजिकल दिया था लेकिन चोट होने के कारण आगे प्रतिभाग नहीं कर पाए थे, उनको भी 10 तारीख को बुलाया गया है। तो 3, 4, 5 को जो यहाँ पर सेक्शन दे रखे, यहाँ पर 3, 4, 5 वाले इनको बुलाया गया है कि जिनका फिटनेस सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट जो भी आपका होता है, सबको लेके आना पड़ेगा आपको डॉक्यूमेंट्स। बाकी विक्रम सिंह का 1 व 2 के लिए अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र लेके आएंगे। और विक्रम सिंह का 2 के लिए बताया गया है कि आपको हिल सर्टिफिकेट चाहिए वहाँ पर, जो कि आपके अनुसूचित जाति के कैंडिडेट होंगे उनको मौका मिलेगा, तो उनके डॉक्यूमेंट होंगे ओरिजिनली, तो ये कहा गया। बाकी सब लोग उपस्थित हो सकते हैं जो भी यहाँ पर रोल नंबर वाइज या डेट वाइज लिखा गया है, आप देखते हैं इन पर किया हुआ।